हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही यमी ये टेस्टी पाव भाजी की रेसिपी। और ये रेसिपी मैं बहुत आसान तरीके से आपको बताने वाली हूँ। अगर आपके पास मिक्सर नहीं है या फिर आपके पास मैशर नहीं है तो भी आप ये रेसिपी बहुत ईजीली बना सकते हैं। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपनी भाजी तैयार करेंगे। तो उसके लिए मैंने एक गाजर लिया है, एक छोटा सा चुकंदर लिया है, एक टमाटर, दो छोटे आलू और मटर। तो सबसे पहले हम कुकर में प्रिपेयर करेंगे जिससे इजीली ये जो है सॉफ्ट हो जाए सारी सब्जियां। तो मैंने तेल लिया है, उसमें एक चम्मच जीरा ऐड किया है और दो से तीन हरी मिर्च ऐड की है। इसके बाद हम इसमें मसाला ऐड कर देंगे। तो मैंने एक चम्मच किचन किंग मसाला ऐड किया है और थोड़ी सी एक पिंच हल्दी ऐड की है। इनको हम तेल में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चार से पांच कलियां मैंने लहसुन की भी ऐड कर दी हैं और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसके साथ। इसके बाद जो है अपनी सारी सब्जियां एक एक करके ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले मैंने आलू ऐड किया है और इसके बाद जो है मैं गाजर ऐड करूंगी। तो बस हम सब्जियों को ऐड करते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे, क्योंकि ये सारा जो है सब्जियों को हमें कुकर में सीटी लगानी है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा इनको गलाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने बीटरूट ऐड कर दिया है और इसके बाद मैं हरे मटर ऐड करूंगी और लास्ट में मैंने टमाटर ऐड कर दिया है। तो इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद जो है हम इसमें नमक ऐड कर देंगे एक चम्मच। इन सबको हम अच्छे से मिक्स करेंगे और आप देख सकते हैं कितना कलरफुल मिक्सचर रेडी हो गया है। इसमें हम पानी ऐड कर देंगे। तो एक ग्लास मैंने पानी ऐड किया है इसमें और इसको हल्का सा मिक्स करेंगे और उसके बाद जो है कुकर में ढक्कन लगा देंगे। तो इससे आप देखेंगे कुकर से बनाने से ये फ़ायदा होता है कि ये बहुत ही सॉफ्ट हो जाते हैं। तो कुकर में सीटी हम ऐसे लगाएंगे कि सबसे पहली सीटी हम तेज़ आंच पे लगाएंगे, उसके बाद आंच धीमी करके हम दो सीटी और लगाएंगे। तो उससे ये इतने सॉफ्ट हो जाते हैं। ये मैंने काफ़ी बार बनाया है और मैंने जितनी बार भी बनाया उतनी बार मैंने इसे बिना जो मैशर है उसके ही बनाया है और ये बहुत अच्छे से मैश हो जाता है। तो आपको ऐसे जो है एक फ्लैट स्पून लेना है और उस स्पून से जो है ऐसे ऐसे एक साइड से प्रेस करते रहेंगे। चार से पाँच मिनट में आप देखेंगे ये इसका मिक्सचर जो है एकदम स्मूथ बन जाएगा, जैसे पाव भाजी की भाजी होती है बिल्कुल वैसे ही। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल स्मूथ मिक्सचर बन गया है और ये मैंने चम्मच से ही किया है। तो अगर आपके पास मैशर नहीं है तो बहुत ईजीली आप इसको बना सकते हैं। अब इसके बाद जो है हम इस पर तड़का लगाएंगे। तो तड़का लगाने के लिए मैंने प्याज और कैप्सिकम यूज़ किया है और इन दोनों को मैंने बिल्कुल बारीक काटा है। तो सबसे पहले कढ़ाई में हम तेल ले लेंगे और एक चम्मच मैंने बटर ऐड किया है। बटर का टेस्ट जो है वो बहुत ही अच्छा लगता है, इसलिए मैंने बटर ऐड किया है। बट ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि इसका टेस्ट जो है बहुत ही एलिवेट कर देता है पूरे फ्लेवर को। तो उसमें हम प्याज ऐड कर देंगे और प्याज जब कैरेमलाइज हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, उसके बाद हम कैप्सिकम ऐड कर देंगे। कैप्सिकम को भी हम अच्छे से पका लेंगे। तो जब कैप्सिकम बिल्कुल ब्राइट ग्रीन हो जाएगा और अच्छे से पक जाएगा, उसके बाद हम इसमें जो है एक पेस्ट ऐड करेंगे जिसमें लहसुन, मिर्ची और अदरक का मैंने बनाया है इसे कूट के। इनको कूटने का ये फ़ायदा होता है कि एकदम बारीक हो जाते हैं और बहुत अच्छे से मिक्स हो जाते हैं और बहुत बढ़िया सा फ्लेवर आता है इनका। तो ये सारी चीज़ें हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। उसके बाद हम इसमें नमक ऐड कर देंगे। तो आप टेस्ट के अनुसार नमक ऐड कर लें। और जो आपने नमक कुकर में ऐड किया था उसमें काफ़ी पानी ऐड हो गया था तो वो काफ़ी डाइल्यूट हो जाता है, तो इसमें भी आप नमक ऐड करेंगे। इसके बाद हम इसमें हल्दी ऐड कर देंगे और एक चम्मच मैं इसमें पाव भाजी मसाला ऐड कर रही हूँ। एक चम्मच मैंने इसमें लाल मिर्च पाउडर भी ऐड कर दिया है और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो थोड़ी देर जो है मीडियम टू लो फ्लेम पे मसालों को अच्छे से पका लेंगे ताकि उनका फ्लेवर जो है अच्छे से मिक्स हो जाए और उसके बाद जो हमने कुकर में अपनी सब्जी बनाई थी उसे हम ऐड कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल स्मूथ मिक्सचर जो है बन गया है सब्जियों का। और बाकी आप थोड़ा सा पानी इसमें ऐड कर सकते हैं और पानी जो है आपको बहुत ही स्लो क्वांटिटीज़ में ऐड करना है, बहुत ज़्यादा पानी एक साथ ऐड नहीं करना है। तो मैंने इसमें कुकर को धो के जो पानी निकला है बस वही ऐड किया है और इसको हम पकाते रहेंगे। अगर पकने के टाइम पे आपको लगे कि पानी कम है तो आप थोड़ा और पानी ऐड कर सकते हैं। इसका फ्लेम हम हाई कर देंगे और इसे अच्छे से बॉईल होने देंगे
जब ये बिल्कुल बढ़िया से बॉईल हो जाएगा और इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो ऐसी हो जाएगी, उसके बाद हम इसमें धनिया का पत्ता ऐड कर देंगे और हमारी भाजी जो है बनके रेडी हो गई है। अब हम अपना पाव रेडी कर लेते हैं। तो पाव के लिए सबसे पहले हम एक तवा लेंगे और उसमें जो है 1 चम्मच मैंने बटर लगा दिया है, और जो हमने भाजी बनाई है उसका जो लिक्विड वाला पार्ट है वो हम थोड़ा सा बटर में मिक्स कर देंगे, जिससे बहुत अच्छा सा फ्लेवर पाव में भी आ जाएगा और कलर भी उसका बहुत एनहांस हो जाता है, देखने में बहुत ही प्रिटी लगता है। तो पाव को हम उसके ऊपर रख लेंगे और बिल्कुल धीमी आँच पर इसके सेक लेंगे। आँच बिल्कुल धीमी रखनी है और आप देख सकते हैं एक बढ़िया सा प्यारा सा कलर आ जाता है और पाव भाजी जो है हमारी बन के रेडी हो चुकी है और बहुत ही यमी बनती है। मैंने इसे बहुत बार बनाया है और ये रेसिपी जो है बहुत ही इजी है। तो आई होप आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, और अगर ट्राई करें तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि रेसिपी कैसी बनी। इसको अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।